हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे सुबह के 9। उठते ही सबसे पहले मेरा काम है शेविंग करना, तो शेविंग कर लेता हूँ, फिर नहाने जाना है। तो आज हम लोग जाने वाले चमेली बुआ के गांव, जो कि पौड़ी गांव में रहती है। गांव है बट वो डेवलप सिटी जैसा है। आपको मैं वहाँ पे जाके बताऊंगा वहाँ का नजारा कैसा है क्या है। तो आज सपना और मैं जाने वाले, तो चलिए फटाफट मैं शेविंग करता हूँ। यहाँ पे पोपट हो चुका है, ये चार्जिंग था कुछ 10-15 दिन पहले और अभी उतर गई है पूरी चार्जिंग। तो देखिए मैंने चालू किया, कुछ हो रहा ही नहीं है। तो अभी मुझे लगता है मार्केट में जाके करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट नहा धो के निकलना है। तो चलिए मैं वहाँ पे जाके कर लूँगा। तो फिलहाल इसको यहाँ पे चार्जिंग में रख दिया है। अगर वहाँ पे शॉप खुली नहीं रहेगी या तो फिर ज़्यादा गर्दी होगा तो घर पे आके शेविंग कर लूँगा, इसलिए मैंने चार्जिंग के लिए रख दिया है। आते आते चार्ज भी हो जाएगा और फिर शेविंग भी कर लूँगा। चलो बाय बाय। सपना और मैं निकल पड़े हैं पौड़ी के लिए। थोड़ा लेट हो चुका है पर इट्स ओके, हमारी खुद की गाड़ी है तो आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। नहीं तो गांव में यूजुअली कैसा होता है, 5:30-6 बजे उठकर 6:30 बजे तक नीचे रोड पर जाना होता है गाड़ी पकड़ने, तब जाके गाड़ी मिलती है। नहीं तो फिर ऐसा समझो पूरा दिन वेस्ट गया और मार्केट भी नहीं जा पाओगे। तो अपनी खुद की गाड़ी है तो टेंशन नहीं, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। हम लोग ने 3-3 पार्सल लिया है, 3 काफल की कंडी, पीछे सपना के पास भी है। तो अलग अलग जगह देना है बुआ को, फिर बाकी और 2 जन को देना है, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, तो सपना देख लेगी। फिलहाल तो अभी पहले यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है, हमारे पास पेट्रोल बहुत कम है गाड़ी में और पेट्रोल स्टेशन बहुत दूर दूर है। तो जहाँ पे हम लोग के जाना है उसके बीच कोई पेट्रोल स्टेशन नहीं है और गाड़ी में भी पेट्रोल कम है। तो अभी मुझे 3 किलोमीटर उल्टा आना पड़ा। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ पेट्रोल लेने के लिए, जो कि थोड़ा ब्लैक में मिलता है, क्या करें अभी है नहीं तो थोड़ा लेना पड़ेगा, फिर आगे जाके भरा लेंगे। तो फिलहाल अभी तो मैं अकेला आया हूँ, सपना को मैंने वहीं पे छोड़ा है। यहाँ से भर के जाऊँगा, सपना को पिकअप करूँगा, फिर हम लोग वहाँ से ही आगे को निकल जाएंगे। तो फिलहाल अंकल पेट्रोल ला रहे। तो देखिए पहाड़ों में ऐसी दिक्कत होती है, अभी ये बाइक फंस गई है, इसका कार्बोरेटर में कचरा घुस गया है और अभी ये यहाँ पे फंसी है। तो अभी फिलहाल मैं भाई को लेके जा रहा हूँ अपने साथ आगे दुकान में, वहाँ से वो पेशकश लेंगे जो भी उनको चाहिए और फिर आके यहाँ पे रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा मुसीबत होता है। भाई को गैरेज भी छोड़ दिया और अभी जस्ट सपना को भी मैंने पिकअप कर लिया, बस अभी निकल रहे हैं हम लोग बुआ के गांव को। चलिए चलते हैं। हम लोग देखिए कहाँ पे आ गए, एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन। क्या व्यू है बॉस, क्या मस्त लग रहा है। यहाँ पे देखिए ये एंड है, यहाँ पे माउंटेन सब हम लोग को मतलब ऊपर ही ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कितने गाँव है, तो हमारा गाँव वो वहाँ पे कहीं पे है। हमें देखिए कितना घूम के आना पड़ा और यहाँ से अभी नेक्स्ट रास्ता चालू हो जाता है, यहाँ पे टर्निंग के बाद नेक्स्ट रास्ता चालू हो जाता है और आगे भी बहुत डेंजरस रोड है। तो देखते अगर रुकेंगे तो आपको वो भी बताता हूँ, बहुत सही व्यू है वहाँ पे भी। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से गाइस, यही है वो डेंजरस रोड, डेंजरस माउंटेन। और यहाँ पे देखिए हमारे सामने क्या है, यहाँ पे रोड टूटी हुई है, पूरा टूट गया है। बारिश के टाइम लैंडस्लाइड भी होता है तो बच के रहना पड़ता है। वहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ है। ओ माय गॉड, सामने क्या डेंजरस रोड है। यहाँ पे टर्न था, मैं टर्न मार के आया और जस्ट मेरे को ऐसा रोड दिखा, फुल्ली शॉक्ड। बाबा ऐसा बच के रहना पड़ेगा, ऐसा होता है पहाड़ में। तो यहाँ से फिलहाल छोटा रास्ता है तो वहाँ से जाऊँगा, देखिए कितना डेंजर हुआ है रोड। तो चलिए चलते बहुत सेफली, पूरी फट गई थी मेरी, मैं देख के डर गया। तो अभी हम लोग आ चुके हैं चौबट्टा मार्केट, जो कि हमारा गांव का मेन मार्केट है। अभी फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे रुकेंगे नहीं। ओ शेट, गाड़ी रुक गई। यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, अभी सामने से दूसरी गाड़ी आई है तो मुझे थोड़ा पीछे हो जाना पड़ेगा, गाड़ी भी रिवर्स में आ रही है। तो यह हमारा मेन मार्केट है, हम लोग यहाँ पे ही आते कुछ जो कुछ लेना है, बट फिलहाल हम लोग यहाँ पे रुकेंगे नहीं क्योंकि हमें कुछ चाहिए नहीं। ओ शेट, यहाँ पे पोलो भी है, GT, वाओ। तो हम अभी सीधा डायरेक्ट पौड़ी जाएंगे, इसके बाद आगे पौड़ी आएगा तो डायरेक्ट बुआ के घर पे ही जाएंगे।
तो देखिए ये हमारे गांव का कैसा मार्केट है। छोटा मार्केट है तो यहाँ पे दिक्कत होती है। ओ भाई ये तो पूरा चेंज हो चुका है, यहाँ पे ना पहले आगे था, अब ये दुकानें सब पीछे चली गई है और मार्केट भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्योंकि कुछ कुछ दुकानें पीछे गई है तो जगह ज़्यादा खाली खाली लग रही है। नहीं तो यहाँ पे पहले बहुत भीड़ रहता था, मतलब गाड़ी आने जाने पासिंग के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो बस यहीं तक है हमारा ये मार्केट, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है। यहाँ से अभी पौड़ी कुछ 16 किलोमीटर है, हम लोग थोड़ा आगे आ चुके हैं। यहाँ पे रोड थोड़ी अच्छी है तो फिर यहाँ पे इतना दिक्कत नहीं, हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। थोड़ी सी बड़ी लग रही है रोड यहाँ पे और अच्छी भी है। तो ऑलमोस्ट हाफ वे तो पूरा क्लियर कर लिया है, अभी हमें जाना है वो उधर। तो ये है पूरा पौड़ी, देखिए कितने घर है, कितना डेवलप्ड है। तो हमने पौड़ी एंटर कर लिया है बट उससे पहले पेट्रोल भरने जाएंगे क्योंकि पेट्रोल भी बहुत कम है। पेट्रोल भी फुल भरा लिया है, अभी 3-4 दिन तक या तो एक हफ्ता कुछ दिक्कत नहीं होगी और हमें ब्लैक मेल लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं जाएंगे। तो बस अभी बुआ का घर आने वाला है, फिर वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर चाय नाश्ता करने के बाद अपने घर को निकल जाएंगे। यहाँ से पौड़ी मार्केट भी शुरू हो चुका है, देखिए कितना मस्त दिख रहा है। यहाँ से पौड़ी भी कितना मस्त डेवलप हुआ है, आप कह सकते हैं एक स्मॉल डेवलप सिटी है ये। फाइनली पहुंच गया बुआ के घर और यही है बुआ का घर। यहाँ से व्यू क्या बढ़िया है, पर थोड़ा धुआं के वजह से ठीक से दिख रहा नहीं है। तो चलिए ऊपर जाके देखते हैं, यहाँ से हिमालय भी दिखता है बट अभी मुझे यहाँ से दिख रहा नहीं है, तो देखते ऊपर से दिखता है कि नहीं। तो ये बुआ के घर का टेरेस है, मस्त बड़ा, यहाँ पे तो फुल टाइम पास हो सकता है, गेम भी खेल सकते, क्रिकेट फुटबॉल तक खेल सकते। फिलहाल अभी मेरे सामने ये साइड, यहाँ पे ना थोड़ा ठंडी के टाइम यहाँ पे हिमालय दिखता है पूरा बर्फ़ से भरा हुआ, अभी भी होगा बट अभी थोड़ा स्मोक की वजह से दिख रहा नहीं है ठीक से, नहीं तो ये जो पहाड़ है ना पीछे के ये भी पूरा क्लियरली दिखते। और यहाँ से बद्रीनाथ का टेंपल का जो ऊपर का जो हेड होता है वो भी दिखता है। और यहाँ का पौड़ी का व्यू कुछ ऐसा है, पूरा यहाँ पे घर ही घर भरा हुआ है। सो ये बेसिकली एक पौड़ी गाँव ही है बट ऐसा बोल सकते हो डेवलप सिटी है। तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, धूप भी लग रही है तो मैं नीचे जाता हूँ। बुआ के घर पे ये डॉगी भी है, कैसा खेल रहा है मेरे साथ, मेरा हाथ कैसे पकड़ा है देखिए। ओ ओ आ, ओ ओ ओ नहीं नहीं ओ नहीं नो, कितना जल्दी फ्रेंडली हो गया मेरे साथ, है ना उल्लू उल्लू उल्लू। कोई नहीं खेल रहा था ना तेरे साथ, मैं खेल रहा हूँ। ओके आज का लंच हमारा बुआ के घर पे हो रहा है। लंच में राइस दाल और बूंदी की रायता है, निशा ने बनाया कैसे तो करके, उसे एक्चुअली आता नहीं है बट उसने कैसे तो करके बनाया, जैसा भी है खा लेंगे। खाना भी खा लिया है और बैठे बैठे बहुत सारे गप्पे शप्पे भी लड़ा लिए, तो अब बारी है घर पे जाने की। और मैंने तो अभी फुल स्लीप कर लिया है क्योंकि गांव में सिर्फ 5 दिन रह के पूरे हाथ की वाट लग गई है। ये देखिए मेरा हाथ यहाँ पे वाइट दिख रहा है और यहाँ पे पूरा लाल हो चुका है, ये सिर्फ 5 दिन का है, अभी और रुकूंगा तो और कितना होने वाला है पता नहीं। तो चलिए अभी निकलते हैं घर की ओर। चलो बाय बाय टाटा। एक चिकन कीमा डिलाइट देना, एक फार्म हाउस देना, दोनों मीडियम रहेगा और एक स्पेशल वाला है ना उसमें कॉर्न वाला देना। तो फिलहाल अभी हम लोग आए पिज्ज़ा स्टेशन, चाची को पिज्ज़ा चाहिए था तो पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करा लिया है, बस उसके लिए रुके, 15-20 मिनट का वेटिंग टाइम दिया है। तो
जैसे पिज्जा मिल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट घर पे जाएंगे। पिज्जा तो ले लिया लेकिन डर इस बात का है कहीं ये खराब ना हो जाए, आई मीन इसका स्टफिंग जो है वो हिल-डुल के खराब ना हो जाए। फॉर श्योर ये तो ठंडा तो होने वाला है क्योंकि यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता है, बट उसे हम गर्म कर लेंगे। सिर्फ इतना है कि खराब ना हो जाए, मतलब स्टफिंग हिले ना बस। अभी हम लोग चौबट्टा मार्केट रुके, सपना गई है कुछ सामान लेने। भाई ने कुछ तो सामान मंगाया था तो वही लेने गई है। फाइनली अपने गांव पहुंच चुके, अब घर पे जाके देखना पड़ेगा पिज्जा की क्या हालत हो गई है। बाकी जर्नी तो बहुत ठीक था, मजा आया। पिज्जा तो अब तक श्योरली ठंडा हो चुका होगा क्योंकि चाची घर पे नहीं थी तो हम लोग रुके थे। तो बस अभी चेक कर रहे पिज्जा कैसा है, ठीक है कि नहीं। देख टूटा फूटा तो नहीं, खोल खोल यहाँ से खोल। ओहो एकदम बढ़िया है, एकदम मस्त। एक वहाँ पे और दूसरा देख। वाव दो अच्छा निकला, मतलब तीसरा भी अच्छा रहेगा। एक्चुअली इसके बॉक्स है ना बहुत छोटे छोटे थे, परफेक्ट साइज, तो जरा भी हिला नहीं है। तो अभी इसको हम लोग गर्म करेंगे और फटाफट खाएंगे। देखिए सब लोग यहाँ पे कैसे भाग के आ गए, खोलते पूरा खुशबू बाहर आ रहा है। वाव तो चलिए मैं अभी आपको खा के मिलता हूँ, मेरे मुंह से पूरा पानी आ गया। चाची कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो चाची का ये फर्स्ट टाइम है, चाची फर्स्ट टाइम पिज्जा खा रही है और एकदम पसंद आ गया चाची को। मे बी एक दो हफ्ते बाद वापिस लाएंगे अगर गए तो, क्योंकि पौड़ी मार्केट बहुत दूर है तो इफ बाई चांस वहां वो साइड गए तो लेके आ जाएंगे। एडिटिंग भी हो चुकी है, बस अभी अपलोड करना है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और उसी के साथ अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।